नमस्कार और आप देखें पल पल। लालबत्ती चौक के पास मनी एक्सचेंज कार्यालय में तीन बदमाशों द्वारा की गई लूटपाट की वारदात के मामले में सिटी फतेहाबाद पुलिस ने तीनों आरोपियों की पहचान कर ली है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी गांव नक्टा निवासी कमलदीप और दीपू को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार सात मामले दर्ज हैं। जिनको गिरफ्तार किया गया है उस पर सात मामले दर्ज है और इसके अलावा इसके दोनों साथी भी आपराधिक प्रवृत्ति के मालूम हुए हैं। लूटमार के मामले में आरोपी कमलदीप और दीपू की गिरफ्तारी के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सिटी थाना फतेहाबाद के SHO इंस्पेक्टर सुरेंद्रा ने बताया, 1 सितंबर को मनी एक्सचेंज के ऑफिस में लूटपाट की वारदात को कमलदीप और दीपू ने अपने दो साथियों के साथ बनावाली निवासी छिंदा और सुरेंद्र और गांव मुसे अहली निवासी सुरेंद्र के साथ मिलकर के अंजाम दिया था। वहीं SHO ने बताया कि आरोपी कमलदीप दीपू जिसकी बहन ऑस्ट्रेलिया में रहती है, वहीं गांव बनवाली निवासी छिंदा का भाई जर्मन में रहता है, इसलिए दोनों का मनी एक्सचेंज के लिए फतेहाबाद में मनी एक्सचेंज ऑफिस में वर्ष 2014 से आना जाना था, इसलिए दोनों एक दूसरे को जानते भी थे। क्योंकि वारदात वाले दिन कमलदीप और छिंदा अपने तीसरे साथी के साथ मुंह ढक कर ऑफिस में पहुंचे थे, इसलिए ऑफिस का संचालक मुकेश आरोपियों की पहचान नहीं कर पाया। लेकिन बाद में घटना को लेकर के जुटाए गए CCTV फुटेज संचालक मुकेश ने देखे, तभी उसने आरोपियों की पहचान कर ली। इसके बाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपियों का पता लगा लिया। दीपू को गांव बहलपुर से और उसके बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी कमलदीप और दीपू को कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया जाएगा। वहीं रिमांड के दौरान कमलदीप और उसके दोनों साथियों के बारे में पूछताछ भी की जाएगी। दोनों ही समय फरार हैं। आरोपियों की गिरफ्तार के बाद लूटी गई इंडियन और विदेशी करेंसी बरामद की जाएगी। वहीं SHO ने बताया कि जांच पड़ताल में मनी एक्सचेंज ऑफिस के संचालक सुरेंद्र कुमार ने सारे पैसे का रिकॉर्ड संभाल कर भी यह बताया कि कुछ 1.5 लाख रुपए की नकदी लूटी गई है, जिसमें विदेशी करेंसी भी शामिल है। पलपल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। और ये जो मुद्दे है इसके पास ये मतलब आते थे मनी ट्रांसफर के रिगार्डिंग प्लानिंग होना के लिए उसमें ये रहा कि पुलिस की तत्पर कार्रवाई करते हुए जो CCTV फुटेज की सहायता से ये 24 घंटे के अंदर ही मामला ट्रेस आउट कर लिया। व्हीकल का भी इस्तेमाल किया इन्होंने, व्हीकल बाइक का इस्तेमाल लिया है, वो बरामदगी अभी बकाया है। तो ये कहां खड़े गन की बात आ रही थी सर, गन भी मतलब लगा है इसमें हथियारों का। देखिए अभी जो और एक्यूज अरेस्ट होंगे और जो इसका रिमांड के उपरांत जो इन्वेस्टिगेशन चलेगी उसमें ये बरामदगी और पैसा जो बकाया है। दूसरा जो पैसों का मैटर था जिसमें पहले मुदई ने 1 लाख रुपए भारतीय करेंसी और 1.5 लाख फॉरेन करेंसी लिखवाई थी, वो उसी में द्वारा ही क्या नाम मुदई से मतलब पूछा गया है, तो उन्होंने अपने द्वारा जो उन्होंने ये बताया कि भाई 1 से 1.5 लाख के करीब जो उनका पैसा वो गया है। जो अनाज मंडी में घटना हुई थी उससे भी अभी उसका कोई मतलब इस प्रकार का लिंक आउट उससे नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई चीजें इसमें आती है तो देखते हैं। अभी तक कोई साक्ष्य भी आया, ये पकड़ा गया इसके हिस्से में कितने पैसे आए अभी तो रिमांड के बाद ही कुछ डिस्क्लोजर बता पूरी इन्वेस्टिगेशन करके बता पाएंगे। ठीक है। ये लूट वाले मामले में क्या गिरफ्तारी की गई है, क्या कुछ है ये लूट वाले में? ये 1/9/2021 को ये मुकेश है, सन ऑफ श्री लीला कृष्ण जी, ये लालबत्ती चौक के ऊपर मनी ट्रांसफर की इनकी शॉप है। तो यहाँ पर एक लूट की घटना घटित हुई थी, इसमें तीन अननोन लड़के थे जो उनकी शॉप के अंदर आए और गन पॉइंट के ऊपर और दूसरे हथियारों के बल पे इनको बांध के इनके यहाँ से पैसे जो थे लूट के ले गए थे। तो इसमें पुलिस के द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए CCTV जो फुटेज है उनको खंगाला गया और उस बिना पर जो उसमें बंदे आए थे वो इनके जो मुकेश हैं जो मुदई हैं इनके द्वारा आइडेंटिफाई कर दिए गए थे और उस बिना पर इसको ट्रेस किया गया और जो सस्पेक्टेड थे उनको पुलिस ने कल जो है 10:30-10:20 के करीब इनको बैबलपुर से अरेस्ट कर लिया गया है। इसमें अभी एक ही लड़का अरेस्ट हुआ है, इसमें कमलदीप दीपू ये पुत्र करमजीत है नक्टा के, ये अरेस्ट हुए हैं।
एक लड़का भी अरेस्ट हुआ है, दो लड़के इसमें अन्य अभी बाकी हैं। इसका कोई पिछला रिकॉर्ड जो पकड़ा गया रुपी? हाँ, ये कमलदीप जो दीपू पेश में 7 मुकदमे रजिस्टर्ड है अलग अलग सेक्शनों में। इसमें एन डी पेश एक्ट है 420 है, 392 है और 398 401 हैं, 307 हैं, तो टोटल 7 मुकदमे इसके ऊपर रजिस्टर्ड हैं। जो बाकी दो हैं उनका पता लग गया है जी कौन है? हाँ, बाकी जो दो लड़के थे उसमें एक लड़का सुरेंद्र उर्फ छिंदा है और एक लड़का जो छिंदा है वो बनावली का, और एक लड़का सुरेंद्र उर्फ करण है वो मुसावली का है। वो लड़के भी मतलब इसके उसमें डिस्क्लोज में तो आ चुके हैं। तो इनकी रिमांड पर लिया जाएगा? नहीं, इनके एक्चुअली इसमें यह था, जो मुदई है जो ये मनी ट्रांसफर का काम करता है, तो ये जो दो लड़के हैं, एक तो जो अरेस्ट हुआ है कमलदीप, इसकी जो सिस्टर है वो ऑस्ट्रेलिया गई हुई है, और दूसरा जो लड़का है सुरेंद्र छिंदा, इसका ब्रदर जर्मन गया हुआ है। तो ये 2014 से जो मनी ट्रांसफ़र करना वो इस शॉप पे आते थे, अमूमन इस लड़के को जानते थे, लेकिन जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ तो उस दिन ये मुँह ढक के आए हुए थे, तो ये पहचान नहीं पाया, लेकिन जब CCTV फुटेज चेक हुई तो ये उसमें पहचान गया। तो क्यों दिया इन्होंने वारदात को, कोई कारण सामने? अभी कोई रीज़न तो लूट का ही है, मुकदमे इसमें ऑलरेडी कमलजीत पे तो 7-8 मुकदमे रजिस्टर्ड ही हैं। बाकी दो जने हैं उनपे भी मुकदमे रजिस्टर्ड हैं, एक मुकदमे उनपे रजिस्टर्ड है। कोई बरामदगी सर इनसे? बरामदगी तो अभी तक तो ये इसका रिमांड लेके आगे इन्वेस्टिगेशन जारी रहेंगे, उसमें बरामदगी तो होगी। आपस में दोस्त हैं या क्या हैं जी ये? नहीं, ये आपस में दोस्त ही हैं, मतलब जो एक्यूज है, और ये जो मुद्दा है इसके पास ये